नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ग्रीस। आज का सब्जेक्ट काफी खास होने वाला, तो मैंने कहा स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा एक फ्रेंड है। तू कैसे डाउनलोड करता है, कहाँ से डाउनलोड करता है, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मेरे को बता दे क्या करता है कैसे करता है। मैंने कहा चलो यार, इस सब्जेक्ट के ऊपर भी एक वीडियो बना ही देते हैं, और वो भी फ्री में, 100% फ्री। तो जहां तक कि डाउनलोड की अगर बात करें अपन, तो जो डाउनलोड करके देखने का जो मजा है ना, वो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप राइट साइड में मैंने बुक मार्क कर रखा है, तो डोंट वरी, आप जब पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो नीचे जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के नीचे, तो वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा आपको, तो मैं वहाँ पे छोड़ दूंगा आपके लिए। इजी हो जाएगा, वहाँ से जब डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे, मतलब वो सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपका उसी पेज पे ले जाएगा, तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आप यहाँ से। आपको वर्बली भी बताया था मैं क्या होता है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम, यहाँ पे वेबसाइट का नाम है my3mp3.best। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर सिंपली ये पेज खुल गया है, मैं इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ, तो किस तरह का दिखता है ये। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखिए, ये इस तरह का कुछ दिखता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, टॉप के अंदर ही वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, कहाँ से और कैसे। तो बेसिकली जैसे मेरे को पसंद है अरिजीत सिंह के सॉन्ग, मैं टाइप करता हूँ सिंपली यार, अरिजीत सिंह, यहाँ पे सर्च कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये इसके सॉन्ग आ गए। और अगर मैं सॉन्ग की बात करूँ, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपका, एक भी गाना स्किप नहीं होएगा, मतलब आपको जो चाहिए, मतलब पूरी दुकान है यहाँ पे गानों की। ये देखिए, बहुत है, बहुत है, ये देखिए, ये देखिए। तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को जरूरत पड़ती थी गाना वगैरह के बैकग्राउंड में डालने के लिए। मैंने कहा यार क्यों, मतलब क्यों, मतलब मैं जो ज्ञान अपने अंदर समेट के बैठा हूँ, क्यों आप लोगों तक तो ना पहुँचाऊँ, तो ऐसे करके ये मैंने वीडियो बना दिया। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे अभी एक ऑप्शन भी है लोड मोर, ये देखिए। अरे बाप, पूरा दुकान है, मतलब मेरे को लगता नहीं है इसमें कोई एक, मतलब सिंगल सॉन्ग भी कोई स्किप होने वाला है इसके अंदर। ये देखिए, मेरे ख्याल से अभी काफी बोरिंग हो जाएगा, टॉप पे चलते हैं। आप बोलोगे नहीं तो खामा का पका रहा हमें ये। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसीजर क्या है, कैसे काम करता है, वो आपको बताया हूँ। सिंपली आपने प्ले का बटन है यहाँ पर, ये इसको दबा देना है आपने। इस तरह से काम करता है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे देखना है, राइट साइड में आपने यहाँ पे लिखना साइज KBPS। KBPS तो आपको तभी चलेगा पता कि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तब चलेगा पता KBPS। और ये जो 4.22 कुछ लिखता है, ये बेसिकली ड्यूरेशन है, कितने टाइम, मतलब कितने टाइम पीरियड का गाना है। तो आपने सिंपली जाना है डाउनलोड के ऊपर, और कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके सामने, और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड। तो आप कंफ्यूज मत होइए, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऊपर लिखा है यहाँ पे, ध्यान से अगर आप देखें, ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने मिड में जाना है, मिड में यहाँ पे सिलेक्ट कर देना सिंपली, और ये इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये ओपन हो गया, करते हैं यहीं पे पॉज, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो जाने से पहले आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की जानकारी वाली और वीडियोस में बनाता रहूं फ्यूचर में। और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, ताकि इस तरह की जो काम की चीजें हैं ना यार, उसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है मेरा इतना मेहनत करने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।